हैप्पी दिवाली। आप लोग आई थिंक आवाज नहीं सुनेगी, बहुत सारे पटाखे की आवाज सुन रही होगी। होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, पटाखों के साथ खाना भी तो इंजॉय कर रहे होंगे दिवाली का। तो हमने भी कुछ आज कुछ बनाया एक्चुअली, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाया है। पहले तो मैंने दाल का हलवा बनाया है। तो दाल का हलवा बहुत टफ है यार बनाना, और हमेशा सक्सेस नहीं होता। होपफुली ये इस बार सक्सेसफुल वाला है। इसको निकालना भी देखो कितना टफ हो रहा है। थोड़ा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ये वाली मिठाई ज़्यादा पसंद है। इसको बोलते हैं रोज पापड़ी, शायद बहुत अच्छी लगती है मुझे। हर दिवाली में खरीदती लेती हूँ। और ये तो यार मेरी फेवरेट है ही, काजू कतली, वो भी मैं यहाँ रख रही हूँ। और मैंने बनाया है दाल मखनी, होपफुली अच्छी हो। देखती हूँ, डाल देती हूँ इसमें। ये देखो डाल दिया। ओके दाल मखनी हो गई। फिर बनाई है मैंने पनीर, पनीर मखनी बोल लो या बटर पनीर बटर मसाला, सॉरी क्या है ये, पनीर बटर मसाला वो बनाया है। और एक सेकेंड, तो मुझे अभी यहाँ अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो मुझे इसको ठीक से रख के फिर लेना पड़ेगा। एक तो फाइनली थोड़ा डाल गई हूँ अपने प्लेट में पनीर, और थोड़ा और डाल रही हूँ पनीर। होपफुली ज़्यादा ना लूँ, एक्चुअली ये भी ज़्यादा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं ख़त्म भी कर पाऊँगी कि नहीं, ऐसे पति देव तो है ही, खरीद है ना। और फिर है ये है दही वड़े, तो दही वड़े को भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। मुझे वैसे दही वड़े ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है खा लेती हूँ दिवाली पे कभी तो। थोड़ा दही ज़्यादा लेती हूँ, बड़े ही बड़े डालती जा रही हूँ मैं अपने में। और मैंने इसके साथ बनाई है हरी चटनी। वैसे हम लोग मीठी चटनी भी बना सकते हैं, वो ब्राउन कलर वाली, बट वो मैंने नहीं बनाई है। तो बस ये हरी वाली बनाई है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर डाल देती हूँ इसके। और फिर लेते हैं पूड़ी, अभी के लिए मैं दो ही पूड़ी लेती हूँ और बस। और थोड़े से फ्रायन से ये है मेरी दिवाली की थाली जो घर पे हमने बनाई है। सब कुछ घर पे है, ऑब्वियसली ये तो बाहर से, और तलावर ये भी बाहर से ही है, और बाकी सब जो भी है घर से बनाया हुआ है। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ, अमीर आप लोग भी अपना इंजॉय कीजिए दिवाली, एंड आपकी फैमिली भी इंजॉय करे। चलो हैप्पी दिवाली, बाय बाय।